हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमनदीप है और आज का टॉपिक है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है कि हम रिमोटली राउटर को एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम लैन से कर लो या डिफरेंट लैन के नेटवर्क से कर लो। तो टेलनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी पीसी से डायरेक्टली रिमोटली राउटर को एक्सेस करना। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे एक्सेस करते हैं। मैंने पीसीज को, तीनों पीसीज को आईपी एड्रेस दे दिए हैं, 10.2, 10.3, 10.4। अब हम राउटर को आईपी एड्रेस देने जा रहे हैं। सबसे पहले राउटर पर डबल क्लिक करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, देन नो, इनेबल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0.0/0, उसके बाद आईपी एड्रेस 192.168.10.1, सबनेट मास्क लेते 255.255.255.0 और शट डाउन। हमने अब राउटर को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। अब एक काम और करना है हमें, टेलनेट, अगर हमें किसी राउटर पे टेलनेट चलाना है, सबसे पहले हमें कॉमन ये लगानी पड़ती है, लाइन VTY 0 से 4। ठीक है, टेलनेट लगाने के बाद इस पर हम क्या असाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम असाइन कर सकते हैं। पासवर्ड एक बार पहले चेक करते हैं कि क्या बिना पासवर्ड के भी पीसी एक्सेस करता है, और 2 मिनट का वेट कर लेते हैं। अभी ग्रीन लाइट हो चुकी है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, देखते हैं टेलनेट 10.0.0.1। फिर से ट्राई करते हैं। ओह सॉरी, टेलनेट 10.0.0.1 नहीं था, 192.168.10.1। अब क्या हो गया, ये टेलनेट ओपन हो गया, हम फॉरन होस्ट को डायरेक्टली पीसी से कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं। आइए चेक करते हैं, देखते हैं एनेबल वर्ड। तो टेलनेट देखिए क्या बोल रहे हैं, टेलनेट ओपन किया बट इसने क्लोज कर दिया। आइए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पासवर्ड डिफाइन कर देते हैं, पासवर्ड जिसका इसको रख देते हैं, उसके बाद हम कर देते हैं लॉगिन। आइए जरा चेक करते हैं टेलनेट का क्या जवाब होता है। यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन सिस्को, बिल्कुल हो गया। अब हम इसी पीसी से हम डायरेक्टली टेलनेट कनेक्ट कर सकते हैं। आइए फिर से देखते हैं, टेलनेट 192.168.10.1। ओह सॉरी, मैं स्पेलिंग चेक कर दी है। पासवर्ड है सिस्को। ये क्या बोल रहे हैं कि नो पासवर्ड सेट, कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी नहीं हो रहा सपोर्ट। एक काम और करते हैं, इनेबल अमन डाल देते हैं,
ठीक है, समझ आ गया क्या करना है। नेबर पासवर्ड सिस्को, आप इसी टू में टेलनेट करते हैं जरा, टेलनेट 192। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, अब हम कुछ भी कर सकते हैं राउटर में जाके। देखिए आप कितना अच्छा है ये, फास्ट इंटरनेट में जाओ कुछ भी कर सकते हैं, यही फायदा होता है टेलनेट का। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा ख़त्म होता है, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे हम करेंगे स्टैटिक राउटिंग और रिप।